हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वेरी मच अवेयर दैट योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टुमारो, सो सम एमसीक्यू वी हैव गिवन टू यू ऑफ योर सब्जेक्ट साइंस. दीज एमसीक्यू आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. They can help also in the examination. I am not certain that all these MCQ will be in the paper, but such type of MCQ will be in the paper. So we have already write some MCQ. Can you see on the screen? तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू विल बी हेल्पफुल टू यू इन द एग्जामिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. कि द फर्स्ट चैप्टर विच इज कमिंग इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इज द केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस, बट वी हैव मेंशनड योर केमिस्ट्री फर्स्ट टर्म एमसीक्यू. तो स्टूडेंट्स, we have simplified in this video the chemical reactions and the equations related some MCQ. What is the chemical reaction, what is the chemical equations, product, reactants, what type of the reactions are involved here, different type of the reactions, ठीक है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा. हालांकि बच्चों, क्या है कि जो चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अ क्वाइट बिग चैप्टर, सो मेनी एमसीक्यू कैन बी फॉर्मेटेड रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो वो सब तो नहीं कराया जा सकता एक शॉर्ट टर्म वीडियो में, लेकिन मैंने कुछ एमसीक्यू ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए हैं और उनसे हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए. हो सकता नहीं है, कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज. अब देखो स्टूडेंट, जिसको फिजिकल और केमिकल चेंज आती होगी, डिफरेंस आता होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं, वो तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देगा. और जिसको ये बात नहीं मालूम होगी, वो नहीं कम कर सकता है. बच्चों, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर बनाया जा सकता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज कहते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिव द वाटर वेपर, हमने बॉइल कर दिया पानी को, तो क्या हो गया कि वाटर वेपर, उसको कंडेंस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वापस वाटर में आ जाएगा. मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव द वाटर, भाई आइस मेल्ट हो गई वाटर, उसको फिर डिफ्रीज कर दिया तो फिर आइस बन जाएगा. डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट, पानी में साल्ट को घोल दिया, पानी को बॉइल कर देंगे, वापस साल्ट रह जाएगा. कम्बस्टन ऑफ द लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विडी एलपीजी को अगर जैसे गर्म करते हैं, जो फिर हमारे गैस वाले सिलेंडर में होता है, हम वापस चाहें कि गर्म करने के बाद, मतलब उसको जलाने के बाद, कि वापस इस सिलेंडर में गैस बन जाए आकर के, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो हिंस द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है. दिस इज नॉट ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब हो तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को लेकर के ये बात कर रहा है. क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा सही, जैसे ये लिखा है एल मतलब लिक्विड, ये जी मतलब गैस है, ऊपर एरो कर बना हुआ हो मतलब हल्की है, नीचे की तरफ एरो हो. तो बहुत सारे इस चैप्टर में जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस को लिखा था, तो क्या था कि वो केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे बर्ड्स या एरो मार्क किया करते थे. यहाँ पर भी कुछ कैटलिस्ट वगैरह लिखा करते थे. तो उसी टाइप का ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट.
रिएक्टेंट्स जानते हैं आप, प्रोडक्ट्स जानते हैं इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। देखो यहाँ यह लिखा तो हाइड्रोजन तो लिक्विड नहीं होता भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। फिर कह रहा है H2 गैस होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन ये गैस लिक्विड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, 2H2O यानी ये लिक्विड है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे भी देखें तो ये H2O लिखा हुआ है, ये वाटर होता है, हम सभी अवेयर हैं इससे, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इन द गिवन इक्वेशन विच डज व्हाट डज एक्स स्टैंड्स फॉर द 2Al प्लस एक्स H2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। अच्छा देखो इस वाले रिएक्शन को जैसे हम क्या होता है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, यही होता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जैसे यहाँ पे 2Al लिखा Al2, तो Al के यहाँ पे ठीक है, H2SO4 मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पर दो हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो हम क्या देखें कि अगर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, जो आगे होता है मालूम होगा आप लोगों को कि ये सभी के साथ जाता है, तो 3 यहाँ पे लगाओगे तो 3 2 6 3 2 6 यानी इसमें अगर 3 है तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कौन सा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक। बच्चों देखो रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जिसमें एक में हीट इन्वॉल्व होती है एक में हीट इवॉल्व होती है, तो एक एंडोथर्मिक होता है एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए मुझे उसको हीटअप करना पड़ता है, ठीक है, और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है कि रिएक्शन जब होता है तो हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट प्रोड्यूज होती है। जैसे यहाँ क्या लिखा कि बर्निंग ऑफ कोल, कोई कोल को अगर आप जलाओगे तो क्या होगा कि हीट प्रोड्यूज होगी, तो ये इट नॉट ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इन टू द कम्पोस्ट, भाई देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कूड़ा करकट जो होता है, जो कंपोस्ट होता है, वो जब भी वो उसको कोई हीट नहीं करता, लेकिन जब वो डिकम्पोज होता है, फर्मेंटेशन होता है उसका, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप ऐसी जगह कहीं जाओ जहाँ की जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे, गल रहे, या काउ डंग केक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ हीट इवॉल्व हो रही। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, भाई हम जब सांस लेते हैं, देखो दो प्रोसेसेस होती हैं, एक तो ब्रीथिंग की, एक किसकी होती है, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज द होल प्रोसेस इन विच क्या होता है कि हमने फूड को इनटेक किया, उसमें हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा, पहले तो लार मिली, उसमें सलाइवा मिला, बहुत सारे एंजाइम्स उसमें मिले, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है और हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट प्रोड्यूज होती है, इट्स नॉट ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप कहें कि तो हीट प्रोड्यूज होती है तो हम जल क्यों नहीं जाते हैं, तो बच्चों इतनी हीट नहीं प्रोड्यूज होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म द क्विक लाइम एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बच्चों क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना अब टू फॉर्म द क्विक लाइम, क्या होता है कि आप उसमें डालें पानी के अंदर तो क्या होता है कि वो हीट अप, उसके हीट की वजह से वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूज होती है। ये बात हम कैसे जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूज होती है, क्विक लाइम जो जो हमारा लाइम वाटर होता है वो क्या करता है कि जैसे हम अगर उसमें सांस लें उसके सामने, तो हमें हमें ये बात तो पता है कि हम वी लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जो है उसे किससे, लाइम वाटर से अगर टच होगी जा करके तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन व्हाट इज कि वेदर इट इज ए एंडोथर्मिक और ए एक्सोथर्मिक, तो ये रिएक्शन क्या है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
displacement reaction, combination reaction, redox reaction, neutralization reaction. ये हमसे कह रहा है कि ये जो example दे रखा है कि HNO3 5O2 4NO plus 6H2O, ये हमें जो दे रखा है ये किसका जो है वो हमारे क्या है कि ऑप्शंस है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कि भाई जो जैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, किसी साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. बच्चों 5-6 तरीके के रिएक्शंस हैं तो बहुत सारे तरीके के, उन सब में से कुछ न कुछ आना जरूर है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कर लेना है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो जो हैं हमारे एलिमेंट्स या C+O2 मान लो, जैसे एक एग्जांपल लिख लिया CO2 कंबाइन हो जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस, भाई मान लो कि कोई बेसिक इन नेचर है उसमें अगर एसिड मिला देंगे तो वो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि HNO3 प्लस 5O2 प्लस 4NO प्लस 6H2O क्या ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो ये रिएक्शन एक हमारा रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन है. क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. इट इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है कि आप देखो कि 4NO, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है NH3 या 5O2 लिखा हुआ है, 6H2O है. ठीक है, तो ये क्या बन गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन NH3 जो है वो क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई. तो इसका मतलब हमारे पास कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और दूसरा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया. तो ये हमारे पास कौन सा पहुंचा कि कॉम्बिनेशन तो इसमें लगा नहीं था. ठीक है, तो क्वेश्चन में इज एन एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो रिएक्शन है ही नहीं है तो ये भी नहीं है, और थर्ड और फोर्थ रिडॉक्स रिएक्शन ये है थर्ड, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है ये. ठीक है, तो फिर हमारा ये क्या हो सकता है बच्चों, और आगे देखें भाई. मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया, फर्स्ट और थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं लग रहा है इसके अंदर, ये दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन लगेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड ये है इसके अंदर. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डायलूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अप एंड फाइनली डिसअपीयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द FeSO4. FeSO4 एक्ट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4. द कलर डिसअपीयर्स ड्यू टू द डायलूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व. फिर क्या लिखा, KMnO4. अब इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, तभी आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे. क्या है ऑप्शन, तो इसका ये सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. क्यों होगा, ए डायलूट फायरस सल्फेट सोल्यूशन बट ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन. तो परमैंगनेट सोल्यूशन क्या होगा, पर्पल इन कलर होता है, लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन जो होता है वो फाइड अप फाइनली हो जाता है और डिसअपियर होता है. ये क्यों ऐसा होता है, ये क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट रिलेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड है. इट टेंड टू डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट. द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द पर्पल टू द कलर रेस FeSO4 गेट ऑक्सीडाइज एज KMnO4 एक्ट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एन एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वॉट हैपेंस विन द
क्या लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड एडेड टू द आयरन फिलिंग, चूज द करेक्ट आंसर। बच्चों देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के में अगर आप हमें क्या मिलाते हैं, आयरन फिलिंग्स डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ करती है। ठीक है, तो हमें बहुत सारा नहीं सोचना है, इसमें क्या होगा कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर और आगे देखा हमने द रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब देखो वे जिसने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, वो सिल्वर ब्रोमाइड और ये फोटोग्राफी, इन सब के बारे में उसने बहुत पढ़ा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम उसमें देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये भी एक करेक्ट आंसर है, तो नन तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत थोड़े से हमारे क्या थे, MCQ थे इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आपको जो है इस चैप्टर से कई एक MCQ मिल सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होंगे, हो सकता है वो बैलेंस नहीं हो, तो आपको बैलेंस करने के लिए हो सकता है उसके अंदर हो। मैंने तो सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा, क्या ये बैलेंस होगा, किस टाइप से बैलेंस किया जाएगा, तो ये सब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर होगा। तो हो सकता है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो कि रिएक्टेंट पूछ ले, प्रोडक्ट पूछ ले। ठीक है, ये कोई एग्जांपल किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूछ ले, डिकम्पोजिशन का पूछ ले, डबल डिकम्पोजिशन का पूछ ले। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड पूछ ले, रेंसिडिटी सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको नहीं पूछ सकता है। तो इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम हम बहुत कुछ नहीं आपको बता पाए, लेकिन आगे हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ और बताया जाए आपको। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।